हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज पुराना, किस में प्लेसमेंट ज़्यादा है। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार, बट उसमें सिस्टम के प्रॉब्लम के कारण वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और ऐसे ही अपलोड हो गया था। तो चलिए आपके लिए फिर से एक वीडियो लाएँ, इसमें सारा डिटेल बताएंगे, टॉप कॉलेज कौन सा है, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट उसका कैसा है और कब इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद ये भी देखेंगे कि आप कौन सा कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद कौन सा कॉलेज को बाद में देखेंगे। यह वीडियो AQU पटना इंजीनियर के सीनियर द्वारा एनालिसिस किया हुआ है। इसमें कॉलेज का रैंकिंग, उसके प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवलिंग सिस्टम पे है। इस वीडियो में हम बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज के बारे में डिटेल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लेसमेंट देखेंगे और उसमें जो फंड मिलता है, कौन कौन से कॉलेज में कैसा फंड मिलता है, सब कुछ हम डिटेल में देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टीम के द्वारा इस चैनल के थ्रू आपको काउंसलिंग से लेकर प्लेसमेंट तक का जितना प्रोसीजर है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्हें भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है, वो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, हमारा टीम उन्हें पर्सनल काउंसलिंग करवाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं, इसलिए जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा टीम आपको फुली सपोर्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। BCC काउंसलिंग में नंबर वन कॉलेज है MIT, यानी कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। टोटल सीट इसमें है 275, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, लेदर टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें एडमिशन BCC UGC काउंसलिंग के थ्रू होगा और आपका जब कटअप 82 से 92 के बीच होगा। अगर आप थर्ड राउंड तक वेट करते हैं तो इसमें दो चार परसेंटाइल इधर उधर हो सकता है। 1 ईयर का एकेडमिक फी 15,000 है। TechQ सपोर्ट करता है इसमें। TechQ फंड द्वारा इसमें अलग से वर्कशॉप और प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। बिहार के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज का एफिलिएशन AQU यानी कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से है। तो देखिए इसका एवरेज प्लेसमेंट 5.6 लाख पर ईयर है। कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका एकेडमिक फ़ी बहुत ही कम, मात्र 15,000 में पर ईयर हो जाएगा। बिहार के 7 पुराने कॉलेज में TechQ का फंड दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको अलग से वर्कशॉप, प्लेसमेंट सीजन और ट्रेनिंग पीरियड का मौका दिया जाता है। सबसे पहले चॉइस फिलिंग में आप पुराने कॉलेज डालेंगे जिसमें TechQ 3 का फंड दिया जाता है। अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई परेशानी होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे हम चॉइस फिलिंग का एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसे करना है, डेमो वीडियो। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ है। बाकी का इन्फॉर्मेशन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दूसरे नंबर का कॉलेज है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट 300 है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग का सीट है। परसेंटाइल आपको JEE Mains में 82 से 92 के बीच रखना होगा। फुली गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए इसमें आपको मात्र 15,000 रुपये लगेगा एक ईयर में एकेडमिक खर्च। एवरेज पैकेज देख लीजिए, एवरेज प्लेसमेंट 5.6 लाख पर ईयर है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप देख लीजिए, पुराना कॉलेज भी है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। TechQ 3 का फंड है, इसमें अलग से ट्रेनिंग और वर्कशॉप का सुविधा। तो चलिए नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें टोटल सीट 240, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस। इसमें एडमिशन के लिए आपको UGSC का काउंसलिंग करना होगा और JEE Mains का परसेंटाइल 75 से लेकर 85 के बीच में रखना होगा। इसका भी TechQ सपोर्ट है। इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट 3.6 लाख पर ईयर है। प्लेसमेंट रेशियो इस कॉलेज का बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद अगला कॉलेज है गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें भी 240 इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस है। आपको JEE Mains का एग्ज़ाम देना होगा, उसमें परसेंटाइल 75 से 85 के बीच रखना होगा। इसमें एकेडमिक फ़ी पर ईयर 20,000 है। TechQ का सपोर्ट है। एफिलिएशन आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। एवरेज प्लेसमेंट इसका भी बहुत बढ़िया है। इसका थोड़ा सा बिल्डिंग पुराना है, बाकी सब कुछ सही है। यह कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद 5वें नंबर का कॉलेज है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, बस थोड़ा ट्रैवलिंग सिस्टम, वहाँ जाने में थोड़ा सा इसको परेशानी है।
बाकी एवरेज प्लेसमेंट भी इसका ठीक है। अगर आपको सुंदर सा कॉलेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बढ़िया है, तो ये कॉलेज आप प्रीफर कर सकते हैं। इसमें भी टेक Q3 का सपोर्ट है, आपको अलग से वर्कशॉप और ट्रेनिंग का सुविधा दिया जाएगा। टेक Q3 क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रैंकिंग है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैं भी अभी यहीं से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना है, वैसे नया बिल्डिंग अभी बनाया जा रहा है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना होने के कारण इसका रैंकिंग थोड़ा नीचे है। और इसमें प्लेसमेंट देखिए 3.6 लाख पर ईयर है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको मात्र 20,000 रुपये लगेगा एक साल सब कुछ एकेडमिक फी लेकर के। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए 72 से 82% के बीच में JEE Mains का स्कोर रखना होगा। यहाँ भी TechQ3 का सपोर्ट है, हम लोगों कॉलेज के अलावा TechQ3 की ओर से वर्कशॉप और ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाता है, इस साल भी दिया गया। अगर आप एकेडमिक देखकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए अच्छा है, बस थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका थोड़ा पुराना है। मोतिहारी के बाद नेक्स्ट रैंकिंग का कॉलेज है लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा। ये थोड़ा नया कॉलेज है, 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, फिर भी इसको TechQ का सपोर्ट दिया गया था। ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, देखने में बहुत सुंदर है। अगर आप अच्छा कॉलेज कैंपस देखकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस कॉलेज में प्रेफरेंस दे सकते हैं। नया कॉलेज होने के कारण थोड़ा सा एवरेज प्लेसमेंट थोड़ा कम है, 3.2 लाख पर ईयर। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज, फुली गवर्नमेंट कॉलेज, आपको परसेंटाइल 70 से 80 के बीच में रखना होगा। ये 7 कॉलेज TechQ3 के सपोर्ट में था, अब यहाँ से जो भी कॉलेज होगा उसमें TechQ3 का फंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रैंकिंग है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज थोड़ा नया है बट इसमें प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया है। जब अगर आप प्लेसमेंट को देखकर जाना चाहते हैं, बस कॉलेज थोड़ा नया है, तो आप इस कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। इस कॉलेज का प्लेसमेंट बाकी पुराने कॉलेज से भी बढ़िया है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 75 से 85 के बीच परसेंटाइल रखना होगा, बट इसमें आपको TechQ3 का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर TechQ3 का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप पिछला 7 कॉलेज चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं, नेक्स्ट कॉलेज है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी नया कॉलेज है, एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, टोटल सीट 240, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस। फुली गवर्नमेंट कॉलेज है, साल भर का फी आपको 25,000 लगेगा। TechQ का कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, थोड़ा नया कॉलेज है, एवरेज प्लेसमेंट 2.4 लाख पर ईयर। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज भी 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, टोटल सीट इसमें मात्र 180 है। एग्ज़ाम JEE Mains एग्ज़ाम देना होगा, कट ऑफ परसेंटाइल थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा, 50 से लेकर 65 के बीच। एकेडमिक फी ईयर 25,000 पर ईयर। TechQ सपोर्ट नहीं है, मात्र 7 कॉलेज, पिछला 7 कॉलेज में ही TechQ सपोर्ट है। एप्लीकेशन आर्बेट नॉलेज यूनिवर्सिटी और एवरेज प्लेसमेंट 2.4 लाख पर ईयर। गवर्नमेंट कॉलेज है, काउंसलिंग BCC UGSC के थ्रू होगा। अगर आपका परसेंटाइल जैसा भी हो, पहले आप पुराने कॉलेज को चूज करेंगे जो TechQ3 के अंदर है, उसे चूज करेंगे, उसके बाद आप नए कॉलेज पे जाएंगे। देखिए चॉइस फिलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जिसके कारण उन्हें टॉप कॉलेज नहीं मिल पाता है। हमसे भी थोड़ी गलती हुई थी, और हम देखेंगे कि कौन से राउंड में एडमिशन लेना सही होगा, अपग्रेड करना कब सही होगा, कौन कब एडमिशन लेना सही होगा। अगर BCSC काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वायरी, पर्सनल क्वायरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, हम वहाँ आपको, हमारी टीम वहाँ आपको रिप्लाई करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसा ना कि गलती हो जाए और बाद में उन्हें पछताना पड़े, इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा से हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके बाद जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आया जाएगा, हम वीडियो बनाकर बता देंगे कि कैसे काउंसलिंग करना है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि चॉइस फिलिंग में क्या क्या मिस्टेक होता है और उसको कैसे सुधारना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है।